बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करके आज देर शाम ही एनडीए की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि इस वक्त एनडीए की बैठक चल रही है और उसमें तमाम मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। अनूप बुगेटी साहब जो स्पोक्स पर्सन टीडीपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मृत्युंजय तिवारी जी स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ आ चुके हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी लीडर जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ आ चुके हैं। प्रोफेसर संजय कुमार जी को डायरेक्टर लोकनीति सीएसडीएस के हमारे साथ मौजूद हैं। संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सभी से चर्चा की शुरुआत हम करें उसके पहले बड़ी खबर आपको देते हैं। एनडीए की बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री निवास स्थान पर ये बैठक चल रही है। एक घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। पीएम आवास पर एनडीए की बैठक जारी है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, क्या तय किया जा रहा है? क्या आज देर शाम ही एनडीए के तमाम घटक दल जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल इस बैठक का औचित्य भी यही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि किसी तरीके से अगर एनडीए में सेंध लगा सके तो वो सरकार बनाने का दावा पेश करे, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता है कि कोई भी एक ऐसा छोटी सी भी चीज रह जाए जिससे कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में सफल हो। इसीलिए आज ही एनडीए की बैठक बुलाई गई। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान समेत तमाम एनडीए के घटक दल के नेता यहां पर पहुंच गए हैं और लगभग एक घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है चित्रा ये बैठक चलते हुए। ये सभी घटक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन पत्र देंगे, और ये समर्थन पत्र लेकर जो है जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये तमाम नेता जो है जाकर राष्ट्रपति को ये ज्ञापन देंगे कि हमने अपना समर्थन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की और एनडीए की सरकार बनाने के लिए दिया है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब हिमांशु, हमने कार्यक्रम का नाम ही रखा है मोदी सरकार दो खेवनहार। तो ये जो दो खेवनहार हैं, एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, इनकी ओर से क्या डिमांड की जा रही है? क्योंकि इस बार तो माना जा रहा है कि अपने पार्टी के बल्ले बल्ले ये लोग करवाने वाले हैं एनडीए सरकार में। बिल्कुल चित्रा, ये दो ही नहीं है, ये दो एन नहीं है। बीजेपी का फोकस था दो एन पे, महिला और साथ में जो है वो उस पर, लेकिन अब दो एन आ गए हैं। नीतीश कुमार और नायडू ये चाहते हैं कि इनकी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए कैबिनेट में। पिछली बार जैसे जैसे मिला है 2014 में एक कैबिनेट मिला था टीडीपी को, एक एमओएस मिला था वो भी जाके 17 के अंदर, तो उनका मानना है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट मिले, अच्छे पोर्टफोलियो मिले। नीतीश कुमार भी यही चाहते हैं कि अगर वो सरकार में शामिल होंगे तो उनकी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है कैबिनेट में मिले। 2021 में उनकी पार्टी के एक कैबिनेट मंत्री बने थे आरसीपी सिंह, 19 में किसी कारण उनकी पार्टी के अंदर क्योंकि लंबी फेरिस्ट थी इसलिए कैबिनेट नहीं बन पाए थे। चिराग चाहते हैं कि उनको एक कैबिनेट और एक एमओएस मिल जाए। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि एक कैबिनेट और एक एमओएस उनको मिले। तमाम जयंत चौधरी हैं, जितन राम बाजी हैं, वो भी कैबिनेट बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में समझ में आ गया है कि आप लोकसभा चुनाव बड़ी मुश्किल है सरकार, अब आगे क्या होगा इस पर रहेगी नजर। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।